So students, as you all know, in last class we talked about the basics of science, about the chemistry, physics, biology and all those discussions about the scientist names and the fathers. Now we are going to start with branches of chemistry, because I have already talked about the elements, that there are 118 elements in the periodic table. And you will have to remember 1 to 30 of them. Then आपको 30 तक याद रहना चाहिए जो आपके HW में दिया गया, होमवर्क में दिया गया है. बाकी आज के क्लास हम लोग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पे बात करने वाले हैं. कल हम इसको समझा चुके हैं आपको कि केमिस्ट्री को एलिमेंट्स के नीड के अनुसार 3 पार्ट्स में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ये 3 पार्ट्स में बांटा गया है केमिस्ट्री को. तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, हमने आपको बताया, कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, इनमें से एक एलिमेंट कार्बन, अब बाकी के 117 एलिमेंट्स रेस्ट. इस सिर्फ कार्बन को स्टडी करने के लिए एक ब्रांच बनाया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बाकी के रेस्ट जो एलिमेंट्स हैं इनको स्टडी करने के लिए बनाया गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो आज के बाद में आपसे कभी भी कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं एक ऐसा केमिस्ट्री जिसमें कार्बन का हम लोग स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. एक ऐसा केमिस्ट्री जिसमें कार्बन का स्टडी करना होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्टडी करने के लिए हम लोग इनऑर्गेनिक का यूज करते हैं. इसमें कार्बन को छोड़कर बाकी सबका स्टडी किया जाएगा, बस कार्बन का स्टडी हम लोग यहां पर नहीं करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स की स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. लास्ट में जो आता है इट इज फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स. हम केमिस्ट्री में फिजिक्स का यूज करेंगे. जैसे आपको याद होगा, आप लोग एनर्जी के बारे में कहां पढ़े हो, फिजिक्स में. अब हम इस एनर्जी को केमिस्ट्री में यूज करेंगे. तो अगर एनर्जी को केमिस्ट्री में यूज करेंगे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री माना जाएगा. आप जानते हो कि एनर्जी में हीट आता है और हीट एक फिजिकल टर्म है. हमें किसी कैंडल को जलाना है तो हमें उसे हीट देना होगा. तो कैंडल को जलाएंगे तो हीट देंगे तो वो जलेगा, और उसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा. तो जो गैस बन रहा है ये केमिस्ट्री है, और हीट का यूज किए हैं. तो अगर हम हीट का यूज कर रहे हैं किसी केमिस्ट्रिकल टर्म के लिए तो हम उसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे. तो मतलब अगर फिजिक्स को यूज कर रहे हैं आप केमिस्ट्री में तो हम इसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे. तो इस तरीके से केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो गए. एक पार्ट आ गया यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री. तो चलिए बारी बारी इन पारापारी इनके बारे में जाना जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. सम इंपोर्टेंट एलिमेंट्स पे बात हम कर चुके हैं आप लोगों से, ये आपको याद रखने हैं, और ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में भी बात हो गया अभी. चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपके नोट्स में रहेगा. अभी नोट्स मिलेगा, जिनको नहीं मिला होगा अभी नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी ना.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं, एक बार थोड़ा कहानी उठाते हैं हम आप लोगों को, स्टोरी के वे में बताते हैं इसको। आप जानते हो कि जितने भी लिविंग्स होते हैं इस दुनिया में, जितने भी लिविंग्स होते हैं, हम लिविंग्स को बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में जितने भी लिविंग्स हैं इनका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस ऑर्गेनिजम्स में से अगर हम एसएमएस को हटा दें और यहां पर सी लगा दें तो हो जाएगा ऑर्गेनिक, ये बन जाएगा ऑर्गेनिक। कई बार हम आपको बोले हम उसी नाम के ही, उसके नाम से ही सारा मीनिंग पढ़ाते हैं, ये ऑर्गेनिक हो गया ना। आजकल देखिए दुनिया में कितने लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, आजकल दुनिया में सब लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है ना, हर्बल ऑर्गेनिक ये सभी चीजों का यूज किया जा रहा है ना। जैसे अगर किसी को क्रीम यूज करना है तो आजकल लोग ऑर्गेनिक क्रीम यूज कर रहे हैं, एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं, नीम का जेल यूज कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक है। लोग अब सिंथेटिक से ना दूर भाग रहे हैं ना, लोग अब सिंथेटिक से दूर भाग रहे हैं। हम आपको बताएं, अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी अपने यहां आई हुई थी, कोचिंग में आया लोग उसका, अच्छा अच्छा मार्केटिंग इंजीनियर लोग, उन्होंने बोला हमसे कि उन्होंने हमको बताया अपने कंपनी का कुछ तरीका बताया कि हम लोग जो प्लांट्स उगाते हैं, हम लोग जो चावल गेहूं ये सब उगाते हैं, ये टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है हम लोग कहीं भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, हम लोग कहीं भी किसी तरह के केमिकल का यूज नहीं करते हैं, ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है। काऊ डंग का यूज किया जाता है, नीम के पत्तों का यूज किया जाता है ना, कंपोस्ट का यूज किया जाता है, हम लोग कहीं भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, पॉइजन का यूज नहीं करते हैं। हाँ ये तो बात है कि थोड़ी पैदावार कम होगी, जहां हम लोग फर्टिलाइजर अगर डालते तो 100 kg गेहूं होता, हो सकता है इसमें 70 ही हो रहा हो, लेकिन ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल फ्री है। अगर केमिकल नहीं है, अगर केमिकल नहीं है तो आपके बॉडी पे हार्म नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है भाई। आपको मालूम होगा आज श्रीलंका का हाल खराब है ना, इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग के चलते खराब हुआ है। तो एकाएक हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक जो नाम है ना, ये बड़ा फेमस नाम है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक हम ऑर्गेनिज्म से क्यों जोड़ रहे हैं, इस दुनिया में जितने भी लिविंग्स हैं ना, इस दुनिया में जितने भी लिविंग्स हैं, हर एक लिविंग के अंदर कार्बन होता है, सी जोड़ा गया है तो सी मने कार्बन, हर एक लिविंग के अंदर कार्बन होता है। चाहे इस दुनिया का कोई भी लिविंग हो, हर एक लिविंग के बॉडी के अंदर कार्बन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन कहां है, तो आप कह रहे हमारा पूरा बॉडी कार्बन है यार, हम लिविंग हैं तो हमारे अंदर कार्बन है, हर एक जगह पे कार्बन होता है। और लिविंग की बात छोड़ो, नॉन लिविंग में भी कार्बन है, पेंट बनता है उसमें कार्बन है, कपड़े बने हैं इसमें कार्बन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होते हैं ना, हर एक जगह पे है ना, ड्रिंक व्रिंक बनता है ना, अल्कोहल शराब दारू विस्की इन सब में कार्बन है। तो कार्बन हर जगह पे मिल जाएगा, कार्बन हर जगह पे मिल जाएगा। तो हुआ कि भाई कार्बन जब इतना यूनिवर्सल एलिमेंट है, यूनिवर्सल एलिमेंट है, हर जगह पे मिल रहा है, तो काहे नहीं इसके लिए वो अलग ही ब्रांच बना दिया गया है। तो इसलिए कार्बन के लिए एक अलग ब्रांच बना दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और इसके कंपाउंड्स का हम इसमें स्टडी करते हैं। तो यहां पे है आपके सामने द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन और इसके कंपाउंड से रिलेटेड बातें की जाएंगी। जैसे कार्बन हो गया, अल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल तो आप लोग जानते भी होंगे, बिहार में बंद चल रहा है, सिर्फ होम डिलीवरी मिलता है, दुकान पे नहीं मिलता है,
क्लियर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक का मतलब होगी सबके बारे में पढ़ेंगे एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़कर बाकी सबके बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ एलिमेंट्स एंड ऑल देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज कंटेनिंग कार्बन। हमारे एक एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, इन कार्बन को छोड़ के, यार कार्बन नहीं होना चाहिए, जिसमें कार्बन आ गया वो इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक में चला जाएगा, बस कार्बन को नहीं पढ़ेंगे ना। फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स टू केमिकल रिएक्शंस ना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स। थर्म मींस होता है हीट, थर्म मींस होता है हीट, थर्मोमीटर, तो थर्मो मने हीट, मीटर हीट को मापने वाला मीटर थर्मोमीटर हो गया ना। थर्मो रेगुलेटर, तो थर्मो मने हीट और रेगुलेटर मने कंट्रोलर, हीट को कंट्रोल करने वाला थर्मो रेगुलेटर ना, तो ये थर्मो, थर्मो मतलब हीट हो गया। और डायनेमिक्स जहां भी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मोशन, इसका मतलब होता है मोशन। तो हीट और मोशन अगर एक साथ रहेंगे तो इसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक। अब ऐसा कैसे होगा, तो चलिए बताते एक सुंदर सी घटना। पानी, वाटर जानते हो, वाटर, हाँ गुड, वेरी गुड, जानते हो आप। उसको एक कंटेनर में लो और वाटर को कंटेनर में रख के गैस चूल्हे पर रखो। अब आप उसको हीट दो, जब आप उसको हीट दोगे ना, तो पानी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। जब हम वाटर को हीट देते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं थर्मो डायनेमिक्स। बोलो यस और नो। बिल्कुल, पानी उबलने लगता है ना भाई, देखते होगे सुबह सुबह जब आप चाय बनाते होगे, कॉफी बनाते होगे, तो चाय बनाते समय देखना कि दूध नीचे से ऊपर आता है फिर नीचे भाग जाता है, नीचे से ऊपर आता है फिर नीचे भाग जाता है, बड़ा मजा आता है उसको देखने में ना जी। देखते देखते चाय जला देता है आदमी, तो जाता है थर्मोडायनेमिक्स, समझ गए। जब हीट और मोशन एक साथ हो तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री, इसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। ये पढ़ाएंगे हम आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, अक्टूबर में मिलेगा। मेटल नॉन मेटल चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, उस टाइम में आपको मिलेगा क्वांटम केमिस्ट्री। बहुत बड़े पैमाने पर हम आपको पढ़ाएंगे एटम के भीतर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। हालांकि हम क्वांटम केमिस्ट्री अभी पढ़ाने वाले हैं, है ना, लगभग आधे घंटे का लेक्चर हम आज क्वांटम केमिस्ट्री पे करेंगे। फिर मोशन है, एनर्जी है, ये सब के सब फिजिकल चीजें हैं और फिजिकल चीजों को हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। मोशन कहां पढ़े हो, फिजिक्स में पढ़े हो नाइन्थ में, देखो अभी हम लोग केमिस्ट्री में यूज करने जा रहे हैं, हर चीज कनेक्टेड मिलेगा हम लोग को। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एटम, एटम से स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए बात क्या है, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं हम आपको। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में हुआ था इंग्लैंड में, मैक्सिमम साइंटिस्ट इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे, है ना, डोंट वरी। तो जॉन डाल्टन का जन्म जो था 1766 में इंग्लैंड में हुआ था, एक वीवर फैमिली में। वीवर फैमिली मतलब होता है जुलाहा परिवार, जो कपड़ा उपड़ा बुनते हैं, स्वेटर वेटर बुनते हैं ना, वैसा ही फैमिली था ना, जुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ था, काफी गरीब फैमिली थी इनकी। ये पढ़ लिख के थोड़े बड़े हुए और इन्होंने ही, जॉन डाल्टन ने ही 1802 में एक थ्योरी लिखा जिसको बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
जॉन डाल्टन ने 1802 में एक थ्योरी दिया जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब क्या था इस थ्योरी में, हम आपको बताते हैं। डाल्टन के अनुसार मान लीजिए ये एक आयरन है, लोहा है, खूब बढ़िया सुनिएगा, एक लोहा है, हम इसको तोड़ते हैं, हमने लोहे को दो पार्ट में तोड़ दिया, अब हम इसे तोड़ते हैं, मैंने मान लो कितना तोड़ेंगे, खराब हो जाएगा ना, हम इसको तोड़ते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, तोड़ते 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 हम इसको कटिंग करना चाहते, काटते 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 माइक्रोस्कोप में देख देख के काटने लगे, और काटते काटते एक बहुत छोटा सा चीज बना, एक सबसे छोटा पार्टिकल जिसे हम और नहीं काट सकते थे, एक ऐसा पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे छोटा इनडिविजिबल और टूटने वाला नहीं है यूनिट, सबसे छोटा यूनिट मिला, ये जो दिख रहा है बीच में, ये और अब टूटने वाला नहीं है, ये सबसे छोटा है। तो इसी सबसे छोटे वाले चीज का नाम इन्होंने एटम रखा था, जॉन डाल्टन ने उसका नाम एटम रखा था। किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट कौन, कल ही बताए थे 118 तक होते हैं, जो एक से लेके 118 तक, ये सबके सब एलिमेंट्स हैं। तो 1 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स में हर किसी का अपना 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 एटम होता है, छोटा 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 एटम होता है, और इन्हीं एटम्स को हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इनडिविजिबल यूनिट, अब इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा यूनिट है ये। अब बात ये थी कि हमारे मन में तो यही आ रहा है कि जॉन डाल्टन ने यह बात बताया था, बट डोंट वरी, जॉन डाल्टन से सैकड़ों साल पहले हमारे इंडिया में एक पर्सन थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। महर्षि कनाद, महर्षि जो होते हैं उनको महर्षि बोलते हैं ना, महर्षि कनाद ये अपने इंडियन पर्सन थे। महर्षि कनाद ने जॉन डाल्टन से सैकड़ों साल पहले यह बात कह दिया था कि इस दुनिया में एक इतना छोटा चीज है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, और उसका नाम महर्षि कनाद ने परमाणु रखा था, हिंदी में परमाणु रखा था, परमाणु। और आपको मालूम हो कि एटम का हिंदी परमाणु होता है, एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं, एटम बम परमाणु बम, एटम बम परमाणु बम, एटम को ही हिंदी में परमाणु बोलते हैं। मतलब जॉन डाल्टन से भी पहले ये लोग बता चुके थे, ये बता चुके थे कि छोटी चीज परमाणु के नाम से विख्यात है हमारी दुनिया में, इन्होंने कह दिया था इस बात को पहले ही। इंडिया इज नॉट द लिस्ट, इंडिया नीचे थोड़ी है, सबसे ऊपर, लेकिन कहने की बातें हैं ये सब, हटाओ वो सब। तो जॉन डाल्टन की बातें समझ गए, एटम के बारे में समझ गए, तो व्हाट इज एन एटम, एटम क्या है, तो हम कहेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है, एन एलिमेंट ये किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट है, एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट है। जैसे अपना इंडिया जो है ना एक एलिमेंट है, अपना इंडिया एक एलिमेंट है, एलिमेंट, और हम लोग एटम्स हैं, हम लोग एटम्स हैं, अपना इंडिया एक एलिमेंट है और हम लोग एटम्स हैं ना, हम लोग एटम्स हो गए। आलू का खेत एलिमेंट है, आलू
एटम है, समझिए ना। चाइना एलिमेंट है, चाइना के लोग एटम्स हैं, तो वही बात है। ये घर पूरा एलिमेंट है और घर की ईंटें एटम्स हैं जिससे ये घर बना है। तो कोई भी एलिमेंट, मान लो ये लोहा है, तो छोटा छोटा यूनिट से मिलकर नहीं बना होगा, तो इस छोटे छोटे यूनिट का नाम रखा गया है एटम, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। और यही एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इट पार्टिसिपेट्स टेक्स अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, यही एटम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। जैसे अगर हम कहें कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड, तो हमने ये कहा कि जब हाइड्रोजन, हमने ये कहा क्या लग गया भाई, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन का हो गया H2 और ऑक्सीजन का हो गया O2 और वाटर का हो गया H2O। तो हाइड्रोजन का H2 लिखे हैं, इसका मतलब यह हो गया कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। जब हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के दो एटम से रिएक्शन किए हैं तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया है। तो एटम्स हैं, एटम्स रिएक्शन करने एलिमेंट नहीं जाता है, एलिमेंट के एटम्स जाते हैं, तो जो रिएक्शन करते हैं उनको एटम्स बोलते हैं। जैसे अगर इंडिया में और चाइना में झगड़ा हो जाए, इंडिया में और चाइना में झगड़ा हो जाए, तो इंडिया और चाइना नहीं लड़ते हैं क्या, इंडिया पूरा उठता है जमीन से और जाके चाइना पे गिर जाता है एक थप्पड़, नहीं। इंडिया और चाइना आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, इंडिया और चाइना के सोल्जर्स लोग आपस में झगड़ा करते हैं। तो पूरी दुनिया में क्या होता है, अरे इंडिया और चाइना में वार हो गया है, इंडिया और चाइना में झगड़ा चल रहा है, अनबन चल रहा है, क्योंकि इंडिया थोड़ी है झगड़ा करने, इंडिया के लोग झगड़ा किया, बदनाम इंडिया हुआ है, बदनाम इंडिया हुआ है। हाँ, बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं वहां पर जाके अपना पूरा बिहारीपन दिखा देते हैं ना। यार सही में भले ही हम बात सही कहते हैं कि हम लोग को लगता है भले कि हम लोग अपने बिहारी होने पर गर्व करते हैं, गर्व से कहो हम बिहारी, नहीं भैया बाहर में हमने देखा है बिहारी लोगों को ना, हम काफी जगहों पे हम रहे हुए हैं, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, कुछ जगहों पे हम रहे हुए हैं, हम वहां पे देखे हैं कुछ लोग यहाँ पे ना बड़ी गलत सोच के होते हैं, वहां पर ये लोग अच्छे काम नहीं करते हैं, ऐसे थोड़े से अलग सोच के होते हैं, जिसी कारण से वहां पर ये लोग बदनाम है, इसी कारण से वहां पर ये लोग बदनाम है। तो बदनामी उनकी नहीं हो रही है, बदनामी हम लोग के बिहार की हो रही है, क्योंकि बिहार के लोग गलत हो रहे हैं कहीं जाके, और बदनामी बिहार की, पूरे बदनाम बिहार के लोग हो रहे हैं। आज अपने इंडिया में इतना बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलता है गोवा में और कोलकाता में, लड़कियों का और लोगों का खरीद बिक्री होता है गोवा में और कोलकाता में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं इसको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहां पर फॉरेन से जो लोग इंडिया में घूमने आते हैं ना, उनको किडनैप कर लेता है सब और उनको सेल कर देता है सब, उनको सेल कर देता है सब। सेलिंग दो कामों के लिए होता है, रेस्टोरेंट्स के लिए, स्लेविंग के लिए, और एक और होता है उनको मार के ना, उनका किडनी, उनका लीवर, उनका हार्ट, उनका आई, ये सब बेच देता है सब, काफी पैसे होते हैं। इसके कारण से इंडिया का एक बहुत बड़ा टूरिज्म खत्म होते जा रहा है, इंडिया का एक बहुत बड़ा टूरिज्म खत्म होते जा रहा है। हम लोग इंडिया के मैक्सिमम लोग घूमने के लिए नेपाल जाते हैं,
अगर नेपाल में गलत चीजें होने लगे, वहां के लोग गलत तरीके से बिहेव कर ले, लोग नहीं जाएंगे फिर नेपाल में, जाना बंद कर देंगे। वैसे ही इंडिया के साथ में हो सकता है। तो देखो, इंडिया एलिमेंट है, नाम एलिमेंट का खराब हो रहा है, लेकिन करता कौन है? एटम्स, यहां के लोग ये सब काम करते हैं। सब गलत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण सब बदनाम हो जाते हैं। तो बात वही है, एटम कौन है? तो एटम किसी भी एलिमेंट का वह सबसे छोटा यूनिट है। एटम किसी भी एलिमेंट का वह सबसे छोटा यूनिट है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जॉन डाल्टन के अनुसार एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने दिया था, आप लोग पढ़े होंगे नाइन्थ क्लास में, उस थ्योरी में कहा गया था कि इट इज इनडिविजिबल, एटम इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने एटम को डिवाइड कर दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एटम को डिवाइड कर दिया गया, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया एटम्स को। दैट्स वाई हम लोग आज ये बात कह सकते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में भी गलतियां निकाली जा चुकी हैं। हालांकि नाइन्थ क्लास में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो गुरुजी लोग वहां पर ही इस गलती को सही कर दिए थे, है ना। फिर से हम बता रहे हैं कि हमारा धर्म बनता है। तो एटम इज इनडिविजिबल अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, बट नाउअडेज मॉडर्न थ्योरीज हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट एटम्स आर डिविजिबल इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट which can take part in chemical reactions is called atom. A smallest unit, इससे छोटा यूनिट पॉसिबल नहीं है। एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट यही होता है और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1766. इन 1802 ही गेव हिज एटमिक थ्योरी एंड नेम्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एज एटम। 1802 में उन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया और उन्होंने इस दुनिया के सबसे छोटे एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के सबसे छोटे से पार्ट का नाम एटम रख दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज इंडिविजिबल, जॉन डाल्टन के अनुसार एटम इंडिविजिबल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स हैव मेड इट क्लियर दैट एटम कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड एज इलेक्ट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स नो चार्ज। हम लोग एटम को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम लोग एटम को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एनी डाउट? तो बोलो, यहां तक क्लियर है? अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है आप लोग का न्यू। टाइप्स ऑफ एटम, तो हो गया भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टोरी अब स्टार्ट करना है, एटम द बिहाइंड सीन्स। दुनिया के सब लोग ना एटम्स को जानते हैं, दुनिया के सब लोग ना एटम्स को जानते हैं, एटम यार, एटम तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं ना, लगभग 9 पापड़ बेलने पड़े हैं। अब बात क्या है कि आखिर 9 ही नाम रखे हैं हम, तो एक स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इस स्टोरी को 9 पार्ट्स में बताएंगे, 9 पार्ट्स। ऐसी आशा करते हैं कि आज हम इस स्टोरी को खत्म कर पाए। स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, डोंट वरी, हम कई सारे इन्वेंशंस को, कई सारी स्टोरीज को मिला के सिंगल स्टोरी बनाते हैं, है ना, और उस स्टोरी को आपके सामने नरेट करते हैं। तो चिंता नहीं करें, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। हम यही कहेंगे कि इसे मन करे तो लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये बुक्स में, नोट्स में चीजें नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये सब हम लोग के नॉलेज, जितने नॉलेज है उनके अनुसार हम लोग स्टोरीज क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एटम द बिहाइंड सीन्स। एटम तो जानते हैं लेकिन बिहाइंड सीन्स नहीं जानते हैं। देखो, बिहाइंड सीन हमारे दिमाग में कैसे आया है ना, हम एक दिन ना फेसबुक ओपन किए थे, हम फेसबुक पर हैं,
हम फेसबुक ओपन किए थे तो उसमें लिख रहा एक किसी मूवी का बिहाइंड सीन दिखाया। बोले बिहाइंड सीन क्या होता है थोड़ा देखें, तो मूवी का जो शूटिंग होता है ना शूटिंग उसको दिखा रहा था कि शूटिंग कैसे होता है। हम लगभग आधा घंटा 30 मिनट अपना फेसबुक पर दिए उस दिन, और उतना देर में हम बस यही देखे कि मूवी का शूटिंग कैसे होता है। शूटिंग देखे ना हम देखे कि एक बाहुबली का शूटिंग हम देख रहे थे, देखे कि वो जो है घोड़े पे जा रहा है और दिखा रहा है कि घोड़े पे नहीं बल्कि एक नॉर्मली एक पुतले पे एक स्टेचू पे बैठा हुआ है, वो स्टेचू हिल रहा है ना। अरे यार वीएफएक्स इफेक्ट दिखा के उसको घोड़े पे दौड़ा रहा है सब ना, वो सांड से लड़ रहा है, वो सांड से नहीं लड़ रहा था बल्कि एक नॉर्मल से स्टेचू से लड़ रहा था, और उसको सांड से लड़ता हुआ दिखाया गया, बुल से लड़ रहा है। यार उस दिन के बाद में तो एकदम विश्वास ही उठ गया फिल्म पर से ना, यही तो गाल हो रहा है। हमारे दिमाग को यार अलग तरीके से मोटिवेट कर रहा है वो लोग, बताओ उसके चक्कर में हम शान से लड़ जाते। हम लोग भी भाई लगता है ना दिल पे वो शान से लड़ सकता है, हम क्यों लड़ सकते, चलते हैं आज से जिम ज्वाइन करते हैं ना, 5 से 10 दिन में 10 पैक 12 पैक बनाया जाएगा ना जी, ढोले से बनाया जाएगा, 6ठा दिन 2-4 को शान को उठा के फेंक दिया जाएगा ना, बताओ ये गलत है जी। तो चलिए तो इसी को बोलते हैं बिहाइंड सीन्स, जिसको आप नहीं जानते हैं। तो वैसे ही हम जिस चीज कहानी को बताने जा रहे हैं इससे आपका दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जो लोग 9th क्लास में बढ़िया से पढ़ेंगे उनका नाता रिश्ता थोड़ा सा मिलेगा इस चीज से, इस टॉपिक से नाता रिश्ता मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी आज से 400 BC की बात करेंगे, लगभग आज से कितने साल पहले 2400। किसी भी नंबर के बाद में बीसी हो तो उसमें 2000 जोड़ दिया जाता है, तो आज से 2400 साल पहले 2500 साल पहले ये बात कर रहे हैं। आज से 2500 साल पहले इस दुनिया में एंशियंट ग्रीक्स रहते थे, एंशियंट ग्रीक्स रहते थे। एंशियंट ग्रीक का मतलब होगा कि पुराने ग्रीक लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं ये। इन्होंने एक छोटा सा डिस्कवरी किया, वो डिस्कवरी किया था उस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं आपसे। उन्होंने क्या किया, एक एम्बर लिया, एम्बर। व्हेन एम्बर, एम्बर लिया उन्होंने, एम्बर। एम्बर किसको बोलते हैं हम आपको बताते हैं। कभी आप लोग आम का पेड़ देखे होंगे या शीशम का पेड़ देखे होंगे, तो आम या शीशम के पेड़ में एक ग्लू निकलता है, गम है ना, गम निकलता है, रेजिन्स बोलते हैं ना, एक गम टाइप का निकलता है जो कि ग्रे कलर का होता है, ब्राउन कलर का निकलता है, लासा ब्राउन कलर का निकलता है, उसको एम्बर बोलते हैं, एम्बर, उसी को एम्बर बोलते हैं। Clear? तो when एम्बर एज, ये सॉलिड हो जाता है थोड़ा देर के बाद में, रब्ड विथ फर, जब आप एम्बर को किसी फर से, फर, फर बोलते हैं रोवा, हम लोग का ये जो बाल होता है ना बाल, इसको फर बोलते हैं, फर, FUR। बिल्ली का बाल होता है ना उसको फर बोलते हैं, शेर का बाल होता है ना बॉडी में उसको फर बोलते हैं, कुत्ते का बाल होता है ना उसको भी फर बोलते हैं, रोआ जो होता है ना बॉडी में उसको फर बोलाता है, FUR। When amber is rubbed with fur, मान लो कि ये एम्बर है, ये एम्बर है, और हमने इसको फर से, मान लो हम बिल्ली हैं, हाँ, तो हम अपने खाल से, हम अपने रोए से इसको फ्रिक्शन किए, फ्रिक्शन किए, फ्रिक्शन करने के बाद इन्होंने देखा कि छोटे छोटे पेपर क्लिप्स को उठा रहा था, जैसे आप लोग छोटे क्लास में थे, हाँ जादू जी। तो व्हेन एम्बर इज रब्ड विथ फर इट attracts paper clips,
जब हम एम्बर को फर्श से रगड़ देते हैं ना, तो ये पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करता है, पेपर क्लिप्स, CLIPS होता है, अट्रैक्ट्स पेपर क्लिप्स। पेपर क्लिप बोलते हैं पेपर का, पेपर होता है ना पन्ना, उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके रख दो, उसको पेपर क्लिप बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को पेपर क्लिप बोला जाता है। इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, ये लोग इसको जादू समझते थे, जादू। बाद में एक और चीज देखा गया, लेटर पाया गया कि when silk is rubbed with glass rod, same situation। बाद में देखा गया कि जब किसी सिल्क के कपड़े को ग्लास रॉड से रब किया गया, तो ग्लास रॉड पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करता था। सिल्क का कपड़ा, अब आपको बताएं क्या होता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे, मे भी नाम सुने होंगे, सिल्क की साड़ी आती है, सिल्क का साड़ी आता है, ऐसे सिल्क का क्लॉथ थोड़ा सा महंगा आता है, थोड़ा सा महंगा होता है। तो ऐसे नाम में आप लोग सुने होंगे, लोग हमारे यहाँ कहते हैं बनारसी साड़ी, तो जो हमारे यहाँ बनारसी साड़ी बोला जाता है ना, वो सिल्क की साड़ी को बोला जाता है। हालांकि रियल बनारसी साड़ी जो होता है वो क्या होता है, तो हम लोग के यहाँ एक आर्ट है बनारसी साड़ी का, कि सिल्क के कपड़े पर, सिल्क का कपड़ा होता है और उस पर सोने का गोल्ड का धागा होता है और उसी से कढ़ाई किया जाता है, सोने के धागे से कढ़ाई किया जाता है। एक साड़ी की कीमत 5 लाख 6 लाख 10 लाख ऐसे होती है एक साड़ी की कीमत, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग बनारसी साड़ी। लेकिन जब सोना हटा दिया जाता है तो साड़ी की कीमत 20,000 25,000 50,000 इसी के आसपास चला जाता है, तो सिल्क की साड़ी रहती है वो। हाँ, पुराने जमाने में जो राजा रानी होते थे ना, सिर्फ वही सिल्क का कपड़ा पहनते थे, बाकी लोग सिल्क का कपड़ा नहीं पहनते थे, उतना वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, सिल्क का कपड़ा सिर्फ राजा रानी पहनते थे। ये सिल्क बनाने के लिए आप लोग जानते हैं सिल्क मॉथ का यूज किया जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है सिल्क का कपड़ा बनाने का, ये पढ़ेंगे आप लोग 8th-7th क्लास में, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स में गुरुजी पढ़ाए होंगे। तो व्हेन सिल्क इज रब्ड विद ग्लास रॉड, सेम सिचुएशन इन्होंने देखा, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, इन लोगों को पता नहीं चला, लेकिन ये लोग इसको बस खेलने का एक छोटा सा जरिया बना लिया था। लेकिन बात थोड़ी सी आगे बढ़ी और ये बात डायरेक्ट पहुंच गया लगभग 2000 साल के बाद 1753 में। इसके बीच में किसी को पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन 1753 में एक आदमी को इसके बारे में मालूम चला, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। पता, बेंजामिन फ्रैंकलिन को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला था, ये इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है इसके पिताजी यही हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऑब्जर्व किया कि ये जो दो चीजें हैं ना जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इनके मन में आया कि हो ना हो ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर रब किया जाता है ना, जब फ्रिक्शन किया जाता है, तो ये दोनों चार्ज हो जाते हैं, चार्ज, और इन्हीं दोनों को, एक को इन्होंने क्या किया पॉजिटिव चार्ज बोल दिया और दूसरे को इन्होंने ही निगेटिव चार्ज बोल दिया, इसका नाम रख दिया गया पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेम्ड एज पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, इन्होंने इसको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के नाम से जाना, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए, जिसके कारण आज तक उस गलती को दोहराया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जहां पर मोर चार्ज होंगे, जहां पर ज्यादा चार्ज होगा, इन्होंने उसको बोल दिया कि वह पॉजिटिव होगा,
और जहां पे लेस चार्ज होंगे इन्होंने कहा कि हम उसको निगेटिव बोलेंगे। और यही मिस्टेक कर दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन। हालांकि देखा जाए तो ये बात सही है, हमारे पास ज्यादा पैसे हैं तो हम प्लस हैं और आपके पास कम पैसे हैं तो आप क्या हैं, माइनस हैं, लोग तो समझेंगे ही ना। और इन्होंने भी सेम यही सिचुएशन डाला कि जहां ज्यादा चार्ज होंगे उसको हम प्लस बोलेंगे, जहां पे कम चार्ज होंगे उसको हम लोग माइनस बोलेंगे। लेकिन ये गलत है, जहां माइनस होता है ना वहां पर ज्यादा चार्ज होता है, जहां प्लस होता है ना वहां पर कम चार्ज होता है। बैटरी है बैटरी, तो बैटरी में आज हम लोग जो बैटरी का स्टडी करते हैं, बैटरी देखते हैं, तो मान लो कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के कारण लोग ये जानते हैं कि करंट चलता है प्लस से माइनस के तरफ, लोग यही जानते हैं, सब लोग यही जानता है। लेकिन रियल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, माइनस से प्लस के तरफ। तो आपसे अगर पूछे कोई कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां चलता है तो आप कहना पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन कहां जाता है तो निगेटिव से पॉजिटिव। इसका कॉज कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका एक मिस्टेक ना पूरा का पूरा साइंस ने बहुत बड़ा एक चेंज ला दिया। कोई बात नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो इन्होंने किया था। तो इन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्ज का नाम रखा, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं या क्या है कैसे है, इसके बारे में इन लोगों को अभी कोई जानकारी नहीं है। फिर क्या हुआ कि 1774 पढ़ाए थे हम आपको, उस समय में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डिस्कवरी हो गया। और तीसरा कंडीशन अब आता है, यह है 1820 की बात, 1820। इस समय एक साइंटिस्ट थे हाँ, विलियम प्राउट, विलियम प्राउट। विलियम प्राउट ने, विलियम प्राउट ने कहा, इनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि जहां देखो वहां हाइड्रोजन है, जहां देखो वहां हाइड्रोजन है, विलियम प्राउट के दिमाग में चल रहा था, है ना, इनके दिमाग में यही चल रहा था। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इनके बारे में। कहां भाग रहा है जी, आपको एक कहानी सुनाते हैं आखिर क्यों इनके दिमाग में ये सब चीज चल रहा था। हुआ ये, सुनिएगा थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसको। मान लीजिए कि आपके पास एक एप्पल है, एक एप्पल है, इस एप्पल का वेट है 50 ग्राम, 50 ग्राम उस एप्पल का वेट है, छोटा सा एप्पल है। अब अगल बगल में ढेर सारे बॉक्स रखे हुए हैं, बॉक्स उसके अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम है, बॉक्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4, चार बॉक्स रखे हुए हैं, इसके अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम है। अभी तक बस एक के बॉक्स के बारे में लोगों को पता चला है कि इस बॉक्स में क्या था, एप्पल, और इसका मास कितना है 50 ग्राम, 50 ग्राम का है ये। अब ये चार बॉक्सेज हैं, इस बॉक्स का वेट है 100 ग्राम, इस बॉक्स का वेट है 200 ग्राम, इस बॉक्स का वेट है 450 ग्राम, इस बॉक्स का वेट है 650 ग्राम। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस बॉक्स में क्या है, लेकिन एक बॉक्स के बारे में जानकारी चल चुका है कि 50 ग्राम का है, इसमें कौन है, एप्पल है। तो आपने क्या किया, इसमें देखा कि 50 से ये कट जा रहा है, 50 से ये भी कट जा रहा है, 50 से ये भी कट जा रहा है, 50 से ये भी कट जा रहा है, तो अगर हम 50 से डिवाइड करें तो ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 9 और ये आ गया 13। ये सर इसमें
भी एप्पल है। अरे कैसे जी? अरे देखिए इसको 50 से काटे तो बराबर बराबर दो भाग में कट गया कि नहीं? हम हाँ, इसमें दो गो एप्पल है। इसमें क्या है? दो गो एप्पल है। इसमें चार एप्पल है, इसमें 9 एप्पल है, इसमें 13 एप्पल है। तो जब हम अंदर नहीं देख सकते हैं तो हम इमेजिनेशन ही ना करेंगे जी। वही काम किए कौन? विलियम प्राउट। इन्होंने कहा कि जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स है ना, वह सब के सब हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। बड़े बड़े जितने भी एटम्स थे वह सब एटम्स हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के बारे में डिस्कवरी हो गया था तो इन्होंने कहा कि ऑल एटम्स आर मेड ऑफ मेनी हाइड्रोजन एटम्स। इन्होंने कहा कि जितने भी एटम्स है ना दुनिया में, उन सारे एटम्स के भीतर क्या है? हाइड्रोजन है। इसका नाम इन्होंने प्रोटाइल्स रखा था, प्रोटाइल्स, प्रोटाइल्स रखा था। अरे भाई एक बात बताओ, देख कुछ तो होना चाहिए ना, अंदर की बातों का कुछ पता होना चाहिए। अब मान लो आप क्लासरूम के बाहर हो, हम सभी लोग मान लो एक घर है, कोई घर है और उस घर में से उघर हिल रहा है, उस घर में से आवाजें आ रही हैं, ये सुनो भूत प्रेत का आवाज आ रहा है, ये सुनो। अरे जीता ज्यादा सोचते हो, तो डांसिंग कर बना दिया है सर। उस घर में से भूत प्रेत की आवाजें आ रही हैं। अब हम लोग अंदर जा नहीं सकते हैं, बाहर से ही हम लोग इमेजिन करेंगे हो ना हो ना इसमें भूत है, भूत प्रेत का साया है। और यहां नहीं मालूम कि अंदर कौन भूत वाला मूवी चला के साउंड बॉक्स जोड़ के देख रहा है नहीं, साउंड बॉक्स लगा के कौन भूत वाला मूवी हॉरर मूवी लगा के देख रहा है। हम लोग बाहर से इमेजिनेशन करते हैं, वही बात था। इन्होंने बाहर से इन्होंने कहा कि जानते हो इसलिए हाइड्रोजन के बारे में सबको मालूम है। तो हाँ, तो हाइड्रोजन जितना भी एटम होता है ना, हर एक एटम के भीतर हाइड्रोजन होता है। इन्होंने कहा एटम के भीतर कुछ नहीं होता, एटम के भीतर क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। इन्होंने कह दिया, लेकिन ये बात लोगों को जची नहीं, लोगों के दिमाग में चल रहा था ये हो ना हो कहीं ना कहीं मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, कुछ अंदर पता चले तब तो। बात बाबू ये है कि आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा है, आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी ने नहीं देखा है। तो जब हम आज तक एटम को नहीं देखे हैं तो एटम के भीतर कैसे देखेंगे भाई? तो इमेजिनेशन ही ना कर सकते हैं, इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। तो इन्होंने इमेजिनेशन किया कि एटम के भीतर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। लेकिन समय बीतते गया और ये बात पहुंचा 1878 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम क्रूक। विलियम क्रूक्स, और ये विलियम क्रूक्स आए ना, इसके बाद में मैक्सिमम बातें दिमाग से अब लोगों के क्लियर होने लगी। विलियम क्रूक आए, विलियम क्रूक ने मेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, विलियम क्रूक ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। कैसा था उसको थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। ऐसा था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब,
इसके अंदर दो प्लेट्स थे, इन्हीं प्लेट्स को लाके इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा जाता था। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से जुड़ा था तो इस प्लेट को बोलते थे एनोड। अभी पता नहीं चला था, मतलब ये प्लस है तो इसको बोलते थे सब लोग एनोड। एनोड कहते थे सब। और ये माइनस है क्योंकि माइनस टर्मिनल से जुड़ा था, इसको सब लोग कैथोड बोलते थे। समझते चलना, बहुत यूज है इसका, बहुत यूज है इसका, याद रखना। तो विलियम क्रूक ने यह बनाया और इसके अंदर यहां पर रखा है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप रखे हैं ताकि अंदर एयर का प्रेशर डाउन किया जा सके। जब विलियम क्रूक ने इसमें 10,000 वोल्ट का करंट दिया और अंदर का प्रेशर 0.01 mm ऑफ Hg रखा, तो विलियम क्रूक ने क्या देखा, हम आपको बताएं। एक ग्रीन कलर का लाइट यहां से यहां की तरफ निकला हुआ गया, दिखा इनको। ये इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से निकल रहा है, रियल में इनको समझ में नहीं आ रहा कि यहां से इधर जा रहा है कि यहां से इधर जा रहा है, इनको अभी पता नहीं चल रहा था। अगर इनको पता चल जाता कि यहां से इधर आ रहा है तो ये कह देते कि निगेटिव से निकला है तो निगेटिव है, और अगर इनको पता चल जाता कि यहां से इधर जा रहा है तो ये कर देते कि पॉजिटिव से कहीं कौन है, पॉजिटिव है। तो इनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने क्या किया, दो गो प्लेट लिया, प्लेट ना खाना खाने वाला, दो गो प्लेट लिया इन्होंने, उन दोनों प्लेट्स को एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज ले लिए, निगेटिव चार्ज, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ले लिए। आज जब नीचे से यहां पर लाए ना, तो जब निगेटिव चार्ज नीचे लाए ना तो ये ऊपर भागा, तो निगेटिव ऊपर भाग रहा है, निगेटिव लाने पर ये भाग रहा है, तो आप जानते हो कि सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर, तो जरूर ये निगेटिव है, तभी निगेटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो नीचे निगेटिव लाए तो ये भाग गया, तो इससे ये बात साबित हो गया कि ये कहां से निकला है, कैथोड से, और इसीलिए इस रे का नाम रखा गया कैथोड रे। क्या नाम रखा गया, कैथोड रे बोला गया, कैथोड रे बोला गया। तो कोई आपसे पूछे कि कैथोड रे का डिस्कवरी किसने किया, विलियम क्रूक ने, क्रूक्स ने। कैथोड रे का डिस्कवरी किसने किया, विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे का डिस्कवरी किया है। तो विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे को डिस्कवर किया, और कैथोड रे निगेटिव से निकला है, सो वी कैन से कैथोड रे कैसा होता है, निगेटिव रेज होते हैं, कैथोड रे निगेटिव होता है, कैथोड रे बाबू निगेटिव होता है। बोलो याद रहेगा, किसी कोई प्रॉब्लम। तो कैथोड रे के बारे में अब लोगों को पता चल गया और विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे को खोज निकाला। इस लाइट को बाद में प्लाज्मा बोला गया, क्या बोला गया, प्लाज्मा बोला गया। आपको ये जो मरकरी दिख रहा है, ये नहीं, ये वाला, ये मरकरी जो दिख रहा है इसके अंदर जो लाइट जल रहा है ना, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है। इसमें इधर और उधर दो तरह से डिस्चार्ज है, ऐसा ही प्लेट है, प्लेट इधर से इधर की तरफ चार्ज जा रहा है और वही लाइट दे रहा है, तो चारों तरफ चार्ज जा रहा है। ये तो एलईडी है, ये अलग चीज है, हालांकि ये भी वही सिस्टम है, ये भी वही सिस्टम है। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, अभी इलेक्ट्रॉन्स नाम नहीं मालूम चला है, सॉरी, कैथोड रेज यहां से इधर की तरफ जा रही है। बोलो यहां तक क्लियर, क्लियर,
यू बैक चश्मा, कुछ बोल नहीं रहे हो यार। यस बोलो, नो बोलो, नो भी बोलोगे तो हमको अच्छा लगेगा ना, ताकि हम उस पर ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे ना। अभी आप लोगों का नाम हमको नहीं मालूम है, तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज पर हम बताएंगे, आप लोगों का नाम लेंगे, है ना। जल्दी जल्दी अपना अपना नाम लिखवा लो जमा करके, ठीक है ना। तो हम आपका नाम भी लेना स्टार्ट कर दें, कहिए ना। वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम आपको बताते हैं, बैठिए। ये तब होता है जब आपने देखा होगा, अभी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक बना दिए ये, चलिए हम डिस्कस कर देते हैं ना, तो कहेंगे सर जी वो कुछ वही भी नहीं करते नहीं मजाक कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, आपने कभी जाड़े के मौसम में कभी स्वेटर निकाला होगा, चटचट चटचट का आवाज आता होगा, चटचट का आवाज आता होगा। ये होता क्या है कि जो हम लोगों का स्वेटर होता है ना, स्वेटर ये वूल फर से बना रहता है, फर से बना होता है। अब हमने स्वेटर पहना तो बार 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 स्वेटर हमारे बॉडी में रब हो रहा है, रब हो रहा है, रब हो रहा है, अब चार्ज हो गया। चार्ज का मतलब ये होता है कि जैसे हम इस पेन को अपने बालों पर फ्रिक्शन देंगे, तो देखिए होता है क्या, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन एक बराबर नहीं होता है, हमारे बालों में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम इस प्लास्टिक के पेन को अपने बालों पर फ्रिक्शन देंगे, तो हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस प्लास्टिक के पेन पे चले जाएंगे। तो हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हमारा बाल हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये कौन हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। अब आप जानते हैं कि इस पर अगर निगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो यह तो न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को चाहेगा क्या करना, डोनेट करना। तो ये दूसरे पेपर को खींचेगा और उस पर अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा, उसको भगा देगा। तो जब हम लोग स्वेटर निकालते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गए हुए तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसी में साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम आपको इसका एक बड़ा सुंदर बात बताते हैं। आज आप घर पर जाना, प्लास्टिक का चेयर होगा कहीं घर पर, तो क्या करना, इस शर्ट को, मतलब आप लोग तो शर्ट पहने नहीं हो, चलो पहने, इसको यहां तक फोल्ड कर लेना। और प्लास्टिक के चेयर में हाथ होता है ना, जिस पर रखा जाता है हाथ को, तो फिर आराम से बैठे जाते हो, जैसे अपने यहां सूट में है, तो आप उस पर में चेयर पर ना ऐसे ऐसे खूब रगड़ लेना ना, जैसे भी होता है दीवार वार में जानवर सब रगड़ता है बॉडी को, है ना, वैसे प्लास्टिक के कपड़े में खूब रगड़ लेना है, इसे रगड़ लेना, रगड़ लिए ना। अब रगड़ने के बाद थोड़ा सा इसको दूर करना, देखना सारा बाल आपका खड़ा हो जाएगा, एकदम खड़ा। अब इसको दूर हटाओगे सब सूख जाएगा, सब आराम से। अब पास लेगे सब खड़ा खड़ा, अब बीच में से हाथ डालना, इसे छट छट का आवाज आएगा, छट छट का आवाज आएगा, क्योंकि आपके बालों का यहां का इलेक्ट्रॉन उधर गया है। अब जब आप ऐसे करोगे ना, इलेक्ट्रॉन भाग के आएगा इधर और उसी में साउंड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कभी नहीं जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां पर निगेटिव चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अरे भाई हम लोग यहां थे, अब ये क्लियर हो गया है, मतलब कैथोड रे का डिस्कवरी किसने किया, विलियम क्रूक्स ने किया, और उन्होंने जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था उसी में उन्होंने किया। और ये कौन से रेज थे, निगेटिव रेज थे, कैथोड रे वाज निगेटिव रे, क्लियर क्लियर। अब हुआ ये कि इसके बाद में 1886 में, 1886 में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था यूगेन गोल्डस्टीन। यूगेन गोल्डस्टीन आए, हम पूरा डिस्कवरी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, डिस्कवरी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। यूगेन गोल्डस्टीन आए, और यूगेन गोल्डस्टीन ने क्या किया, अब हम आपको ये बताते हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। सेम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का इन्होंने यूज किया, देखिएगा ध्यान से, यहां पर
ट्रिम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। जो बड़ा रहता है वो प्लस रहता है और जो छोटा रहता है वो माइनस रहता है। तो प्लस से जुड़ा है तो ये हो गया प्लस। पॉजिटिव चार्ज मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, एनोड। और माइनस से जुड़ा है क्या हो गया, कैथोड। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है यहां पर। फिर से 10,000 वोल्ट का करंट दिया गया और फिर से अंदर का प्रेशर 0.01 mm ऑफ HG। ये अंदर का प्रेशर रखा गया ना, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है यहां पे, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। 0.01 mm ऑफ HG, अंदर ना दब गया था वो, और देखो खुली खुली लग रहा है। इन्होंने कहा कि आप जो बात कह रहे हो वो एकदम सही है विलियम क्रूक साहब, कि यहां पर कैथोड से मतलब माइनस वाले के तरफ से एनोड प्लस वाले के तरफ एक आपको लाइट आती हुई दिख रही है। एकदम बात सही है जो आप कह रहे हैं, वो एकदम बात सही है। लेकिन इन्होंने कहा कि आप कुछ भूल रहे हैं, भूल ये रहे हैं। देखिएगा गोल्डस्टीन ने कितना सुंदर एक्सपेरिमेंट किया। इनको लग रहा था गोल्डस्टीन को ना कि जो लाइट यहां से इधर आ रहा है ना, ये भी तो हो सकता है कि यह इधर से भी लाइट इधर जा रहा हो, दिख नहीं रहा हो। क्या दिन में चांद नहीं होता है, दिन में तारे नहीं होते हैं? होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि तारों से ज्यादा स्टार से ज्यादा किसका लाइट होता है, सन का होता है। दिन में हमें कोई प्लेनेट दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन कल रात में प्लेनेट दिखाई दिया था, चांद के नीचे वेनस दिखाई दिया था। हाँ, तो हमें जो भी मान लो दिखाई दे रहा है, कोई भी प्लेनेट रात में दिखाई दिया, चांद के साथ में मून के साथ में नीचे दिखाई दिया, क्योंकि उस समय में लाइट क्या था, कम था। लाइट जब कम रहेगा ना तो हमें स्टार्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग स्टार्स दिखने लगते हैं। इन्होंने कहा कि हो सकता है हमें लाइट इधर से भी लाइट जा रहा है, दिख नहीं रहा है। तो लोगों ने कहा एक काम करो, देखो। बड़ी दिख ही नहीं रहा था, बड़ा टेंशन में सब लोग पड़ गया कि कैसे देखे कि एनोड से भी लाइट आ रहा है। तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया। तरीका यह था कि इस साइड में एक लेयर डाला गया, ध्यान से देखना बाबू लोग, इस साइड में इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ छेड़छाड़ किया इस स्ट्रक्चर में, और उस साइड में क्या किया इन्होंने, जिंक सल्फाइड रखा। जिंक सल्फाइड केमिकल रखा। जिंक सल्फाइड की एक खूबी है कि जब उस पर लाइट पड़ेगा ना तो ग्लो करने लगेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लो अगर हम यहां पर जैसे यही लिए हुए हैं, तो हम अगर यहां पर लाइट भेज रहे हैं, यहां पर लाइट भेज रहे हैं तो ग्लो कर रहा है ना जी। तो जिंक सल्फाइड की खूबी है कि जब उस पर लाइट पड़ता है ना तो ग्लो करता है। तो हुआ कि भाई यहां से लाइट इधर जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको दिख रहा है कि हम जो इधर से भेज रहे हैं इधर, वहां पर दिख रहा होगा, यहां पर दिख रहा होगा, क्या यहां पर ये लाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर सामने हम कोई चीज को लाए तो अब दिख रहा है कि हां जी हां, इन्हें से लाइट आ रहा है। समझाया? इवन अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट रचा कि इधर से भी लाइट आ रहा है, हमको उसे देखना है हर हाल में। तो इन्होंने इधर जिंक सल्फाइड डाल दिया, फिर भी नहीं दिखा। बड़ा टेंशन में पड़ गए, कहां करें। तो
तो करने का एक बड़ा सुंदर तरीका था, क्योंकि ये वाला जो प्लेट था ना, ये प्लेट लाइट को रोक लिया था। भाई एक बात बताओ, अगर हम है मान लो और हमको देखना हो, आप लोगों को देखना हो, अब हम क्या करें, आगे कॉपी रख लेते हैं, सपोज करो यहां से कोई पेपर ले लेते हैं, ये पेपर ले लिए, इस पेपर को हम अपने आंखों के सामने रख दे, बोले जा कुछ दिख ही नहीं रहा है, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, नहीं दिखेगा। तो यहां पर जो हम लोग लाइन लिए थे ना, ये वाला, ये जो कैथोड प्लेट था, ये कैथोड प्लेट बहुत ही हार्ड था, ट्रांसपेरेंट नहीं था वो, तो लाइट इधर से जा तो रहा था, उसको पास नहीं कर रहा था। इन्होंने क्या किया, इवेन अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने यहां पर जो प्लेट लगाया ना, उसमें होल कर दिया। इसको बोला गया परफोरेटेड। क्या बोला गया? परफोरेटेड, माने आप लोग देखे होंगे, मान लो कि आपके घर में थाली होगा, थाली, तो यहां पर पहले थाली लगा हुआ था, थाली, अब इन्होंने क्या किया, उस थाली में 1000 होल कर दिया, कांटी मार मार के, मार मार के, मार उसने होल कर दिए, अब यहां पर लग गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही होल हुआ ना, होल होने के बाद में इनको दिखा यहां पर ग्लो करता हुआ, यहां पर ग्लो करता हुआ, यहां पर ग्लो करता हुआ। तो एक बात बताओ, जहां पर होल है उसी के सामने ग्लो कर रहा है, जहां पर होल है उसी के सामने ग्लो कर रहा है, मतलब लाइट दिख नहीं रहा है, लाइट दिख नहीं रहा है, लेकिन जहां हम हाथ रखे लाइट दिखने लगा, मतलब लाइट आ रहा है, हमें यहां पर दिख रहा नहीं है लेकिन लाइट आ रहा है। अगर लाइट आता नहीं तो यहां पर ग्लो नहीं करता। जैसे मान लो घर में हो और कहीं पर घर में ऊपर जो है एस्बेस्टस का ना घर है, प्लास्टिक का घर है, करकट का घर है, ऊपर कहीं पर होल है, आप रात में सोए हुए हो, सुबह में उठते देते हो रूम में कहीं पर लाइट आ रहा है सन का, तो आप उस सन के लाइट के पास में जाकर जब वहां से देखोगे तो आपको होल दिखेगा, अच्छा वहां पर होल है। तब इन्होंने देखा कि यहां पर होल है और वहीं पर लाइट आ रहा, मतलब हो ना हो एनोड के तरफ से भी, क्या बाबू, एनोड के तरफ से भी रे आ रहा है, और इस रे का नाम क्या रखा गया, एनोड रे। क्या नाम रखा गया? एनोड रे नाम रखा गया। इसको बोला गया पॉजिटिव रे, क्योंकि एनोड रे एक होल से निकल रहा था, होल से, और होल को बोलते हैं कैनाल, तो इसीलिए बोला गया इसको और कैनाल रे बोलते हैं, कैनाल रे भी इसको बोला जाता है। तो कैथोड रे का डिस्कवरी किसने किया, थॉमसन ने, सॉरी विलियम क्रूक्स ने, और एनोड रे का डिस्कवरी किसने किया, इवन अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने। क्लियर जी? ओके, तो लिखते रहे भैया, जो लोग कल नहीं आए थे प्लीज स्टैंड अप, जो लोग आज से आ रहे हैं या कल नहीं आए थे प्लीज स्टैंड अप, गर्ल्स एंड बॉयज आप लोग खड़े रहिए। ये क्लियर हो गया? तो देखो, तो हमने कैथोड रे का डिस्कवरी कर लिया, एनोड रे का भी डिस्कवरी कर लिया, डिस्कवरी करने में हम लोग बहुत ही पहुंचे हुए फकीर है ना जी, गुड, फकीरे ना है, मिल गया, बैठ जाइए। चलिए, ये समझ आ गया जी। अरे किसी को समझाना होगा तो समझा दोगे कि कैथोड रे कैसे खोजा गया, एनोड रे कैसे खोजा गया, समझा दोगे ना, गुड। समय थोड़ा आगे बढ़ा और ये बात पहुंचा कब, 1897 में, कितना नंबर आ गया जी, 6। बाबू जो मिला है आप लोगों को डीपीपी, वो घर पे बनाने के लिए, यहां पे नहीं, तो यहां पे पढ़ाई करें। समय आया 1897,
1897 और 1897 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे.जे. थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन के दिमाग में आया कि यार जो रॉबर्ट विलियम क्रूक जो एक्सपेरिमेंट किए थे, विलियम क्रूक जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट में विलियम क्रूक को कैथोड रेज मिले थे, कैथोड रेज मिले थे। थॉमसन के दिमाग में कुछ अलग चल रहा था, थॉमसन के दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। इनको लग रहा था ना कि जो रे निकल रहा है ना वो रे नहीं है, वो लाइट नहीं है, कुछ अलग है। तो सोचे थे क्या है वो, कैसे पता लगाए कि क्या है वो। इस बारे में बहुत सोचने लगे थॉमसन। बाद में इन्होंने क्या किया, एक साइकिल का जैसे पैडल होता है, पैडल साइकिल का पैडल होता है, तो कैथोड रे इन्होंने खुद जनरेट किया और कैथोड रे के रास्ते में जब साइकिल के पैडल जैसा एकदम फ्रिक्शनलेस पैडल रखा तो जैसे ही लाइट पड़ा ना वो पैडल घूम गया, जैसे ही लाइट पड़ा ना वो पैडल घूम गया। तो भाई पैडल तो तब घूमता है ना जब फोर्स लगता है, अब फोर्स तो लाइट नहीं डालता है, कोई पार्टिकल डालता है, जिसमें मास होगा वही ना फोर्स डालेगा। तब इनके दिमाग में आया, थॉमसन के दिमाग में आया कि कैथोड रेज आर यूनिक। कैथोड रेज क्या है, यूनिक है, बिकॉज कैथोड रेज आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। ये किस चीज से बने हैं बाबू, पार्टिकल्स से बने हैं। इनके दिमाग में आया आ इस पार्टिकल का नाम इन्होंने रखा नेम्ड क्या, कॉर्पस्कल्स। इन्होंने पार्टिकल्स का नाम रखा कॉर्पस्कल्स, इलेक्ट्रॉन नहीं, कॉर्पस्कल्स। क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या थे, नेगेटिव थे, तो कॉर्पल्स भी क्या माने जाएंगे, नेगेटिव माने जाएंगे। ये बात जे.जे. थॉमसन ने पता लगाया कि वह लाइट नहीं था, छोटे 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 पार्टिकल्स थे। जे.जे. थॉमसन ने इस बारे में पता लगाया। जब जे.जे. थॉमसन ने इसका पता लगा लिया तो लेटर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, इसी का नाम बाद में इलेक्ट्रॉन पड़ गया, इसी कॉर्पस्कल्स का नाम बाद में क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन्स पड़ गया। और आपको एक बढ़िया बात बताएं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मास हाइड्रोजन के मास का 1836 टाइम होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब एक हाइड्रोजन लीजिए और एक हाइड्रोजन को 1836 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, 1836 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, तो उसमें से एक पार्ट होगा इलेक्ट्रॉन। सोचिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लगभग 2000 गुना कम है इलेक्ट्रॉन का मास। अभी मालूम कितना है, दिस इज अबाउट 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम, ग्राम दैट इज 9.1 × 10⁻³⁶। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इतना ना कम होता है कि हम इसको जीरो मानते हैं, क्या मानते हैं, जीरो, कंसीडर्ड एज जीरो यूनिट। तो ये हमने पता लगा लिया अब इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए कितनी बड़ी जर्नी है, कैथोड रे का डिस्कवरी विलियम क्रूक ने किया और कैथोड रे के भीतर पार्टिकल्स को किसने देख लिया, जे.जे. थॉमसन ने देख लिया और इनका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स, इनका कॉर्पस्कल्स नाम रखा। बाद में दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने इन कॉर्पस्कल्स का नाम बदल के क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स रख दिया। और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानकारी यहां पर मिल गई।
लेकिन कहानी रुकता नहीं है। 1897 के बाद यह कहानी डायरेक्ट पहुंचता है 1911 में, 1911 में यह कहानी पहुंचती है। क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रूक ने और कैथोड रे को खोजा था, और कैथोड रे के अंदर पार्टिकल्स मिले जिनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो दूसरे साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में चल रहा था कि दूसरा एक्सपेरिमेंट किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। तो हो सकता है कि गोल्डस्टीन ने जिसको खोजा था एनोड रे को, हो सकता है उस एनोड रे के अंदर भी क्या हो, पार्टिकल्स हो। और सबके दिमाग में ये बात घूम रहा था, पूरी तरह से सब लोग सोच रहे थे होगा होगा होगा, कुछ ना कुछ तो अंदर होगा। और फिर क्या मिला, पॉइंट नंबर 7, और मिला 1911 में रदरफोर्ड को मिला, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, सब नाइन्थ में पढ़े होंगे आप, एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, और इस गोल्ड फॉइल पर बहुत पतला था, गोल्ड फॉइल बहुत पतला, 0.00004 सेंटीमीटर है ना, बहुत पतला था ये। तो इतने पतले गोल्ड के फॉइल पर इन्होंने बम्बार्डिंग किया। बम्बार्डिंग किससे किया, तो अल्फा पार्टिकल्स से, और वो एक्सपेरिमेंट हम बाद में पढ़ाएंगे। और इन्होंने खोज निकाला किसको, प्रोटॉन को। किसको खोज निकाला, प्रोटॉन को। इन्होंने कहा कि देयर इज अ हेवी न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एन एटम। ये बात रदरफोर्ड ने कहा था कि किसी भी एटम के सेंटर पे एक बहुत ही भारी न्यूक्लियस होता है, एंड कंटेन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। उस हेवी न्यूक्लियस के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम रखा गया प्रोटॉन्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जिनका नाम प्रोटॉन्स रखा गया, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जिनका नाम प्रोटॉन्स रखा गया। प्रोटॉन एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ना, मीनिंग होता है इसका, मीनिंग होता है फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन से पहले खोजा गया था कौन, प्रोटॉन। ये बात कौन माने, रदरफोर्ड। कुछ गलत लग रहा है कि नहीं, बस खोज हुआ है 1911 में, इलेक्ट्रॉन मिल चुका है 1897 में, तो कैसे ही बात कहा जा सकता है कि प्रोटॉन पहले मिला। तो देखिए रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन मिला है 1897 में, लेकिन ये पॉजिटिव है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज का खोज 1886 में इलेक्ट्रॉन के पहले हुआ था। गाल खेल रहा है लो भाई, मैं कहना ना, ना हम पहले आए हैं नहीं, ये बोले कि इलेक्ट्रॉन से तो पहले ना मिला था एनोड रे, एनोड रे में ही ना होता है प्रोटॉन। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रोटॉन पहले आया। तो आपसे कोई पूछेगा हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो आप नाम लिखना रदरफोर्ड, ना कि गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने किसका डिस्टर्ब किया था, एनोड रेज का, प्रोटॉन का नहीं, एनोड रेज का खोज किया था किसने, गोल्डस्टीन ने। कैनाल रे का डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का डिस्कवर किया है। समझो, अब ये स्टोरी को कल आगे बढ़ाएंगे है ना, क्योंकि आज समय समाप्त हो गया है। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो।